पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए कॉन्ट्रैक्ट को जारी कर दिया है। साथ ही किस खिलाड़ी को किस कैटेगरी में और किस फॉर्मेट में रखा गया है इसका भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि रेड बॉल यानी कि टेस्ट मैच और व्हाइट बॉल यानी कि ओडीआई और टी20 का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने यह साफ कर दिया था कि खिलाड़ियों को दो डिवीजन में बांटा जाएगा। वहीं इमर्जिंग खिलाड़ियों के तौर पर भी एक अलग कैटेगरी बनाई जाएगी। कप्तान बाबर आजम को अलग से भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी लीग खेलने से भी रोका जाएगा। रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को विदेशी लीग में मिलने वाली राशि का भी भुगतान देने की कोशिश करेगा और उन्हें विदेशी लीग खेलने से भी रोकेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी किया गया नया कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पिछले साल यह संख्या 20 थी तो इस साल 33 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, उनके अलावा हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को रेड और व्हाइट दोनों कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा बात करें अगर अन्य खिलाड़ियों की तो कैटेगरी ए में रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट में अजहर अली, कैटेगरी बी में फवाद आलम, कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, नोमन अली शामिल है। कैटेगरी डी में आबिद अली, सरफराज अहमद, शाहूद शकील, शान मसूद, याशिर शाह शामिल है। व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए में फखर जमान, शादाब खान, कैटेगरी बी में आरिस राउफ, कैटेगरी सी में मोहम्मद नवाज, कैटेगरी डी में आशिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, शहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और जाहिर महमूद शामिल हैं। इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अली उस्मान, हजबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद उरेरा, कासिम अकरम, सलमान अली आगा शामिल है। 1 जुलाई से ये कॉन्ट्रैक्ट जारी हो जाएगा और दोनों ही फॉर्मेट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।